दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में अहम फैसले लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसी बैठक में नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर को प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी। अब जेडीयू और आरजेडी दोनों में इसका विरोध होने लगा है। जेडीयू के वर्तमान एमएलसी और पूर्व विधायक सहित आरजेडी के भी कई नेता इसका विरोध करने लगे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के लिए शुक्रवार को पटना के होटल में खास बैठक की गई। इसमें जेडीयू के बिहार विधान परिषद के सदस्य रामेश्वर महतो ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि जिसके नाम की घोषणा हो जाए हम उसे कैंडिडेट मान लें। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में अहम फैसले लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसी बैठक में नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर को प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी। अब जेडीयू और आरजेडी दोनों में इसका विरोध होने लगा है। जेडीयू के वर्तमान एमएलसी और पूर्व विधायक सहित आरजेडी के भी कई नेता इसका विरोध करने लगे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के लिए शुक्रवार को पटना के होटल में खास बैठक की गई। इसमें जेडीयू के बिहार विधान परिषद के सदस्य रामेश्वर महतो ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि जिसके नाम की घोषणा हो जाए हम उसे कैंडिडेट मान लें।